Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Rainwal. I hope everyone is doing good at your place and also doing study on time. Our school has started online classes. You must take advantage of this opportunity. This will help us to cover the syllabus and maintain the flow of study. I will love to see your individual talents and watching you grow during education. I welcome you all to join online class. Now let's start the video. This is the 7th chapter of class 4th, subject science, and the name of the chapter is Food or Basic Needs, Part 1st. Dear students, we already know that why do we need food, eating habits, sources of food such as animals and plants, types of food, bodybuilding food, energy giving food, protective food. These are types of foods. In this video, we will learn about need of food, components of food. Food contains the nutrients. Foods में क्या present होते हैं? Nutrients. Nutrients are the substances needed by our body to grow, remain healthy and also to fight disease. Nutrients वो substances होते हैं जो हमारी body के लिए body के द्वारा required होते हैं, जो कि body को grow करने में, healthy रखने में and also fight to अगेंस्ट डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं। फूड ईटन बाय अस इज यूज्ड बाय आवर बॉडी फॉर द सम पर्पसेस, टू गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, टू बिल्ड एंड रिपेयर द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट हैव बीन डैमेज्ड। हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो डैमेज्ड हो जाता है उसे रिपेयर करने में क्या आवश्यक है? फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स एंड फॉर ग्रोथ। और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिएंट्स इन फूड, इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड ऑफ द बॉडी वी नीड टू ईट फूड आइटम्स दैट कंटेन्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी में फूड लेते हैं जिसमें कि डिफरेंट टाइप से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 5 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। जो कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स, एंड ईच वन हैज ए डिफरेंट फंक्शन। और सभी न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग फंक्शन होता है, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड minerals. Carbohydrates. Our body needs energy to work, play and do other activities. Carbohydrates are energy giving nutrients. हमारी बॉडी को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. Starch and sugar are the 2 types of carbohydrates consumed by us. Carbohydrates कौन कितने टाइप के? 2 टाइप्स। स्टार्च एंड शुगर के जो शुगर टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी द्वारा कंज्यूम्ड किए जाते हैं। People who are involved in lots of physical labor, such as sports person and laborer, needs more carbohydrates to fulfill their energy needs. इन पीपल्स को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स अधिक चाहिए, उनको कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज अ पार्ट ऑफ सम कनेक्टिंग टिश्यूज, दीज ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग ए हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। द फाइबर इन कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प्स इन lowering blood cholesterol. It remains protein from being burned, so it can be used to build and repair. ये किस में यूज में लिया जाता है? बिल्ड में एंड बनाने में और रिपेयर करने में। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन ए वाइड एरे ऑफ बोथ हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड्स सच एज ब्रेड्स, बीन्स, मिल्क, पॉपकॉर्न, पोटेटोज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉर्न, चेरी corn, cherry pie. They also come in a variety of forms. The most common and abundant forms are sugar, fibers and starch. Fruits such as banana, grapes, pineapples, peaches and mangoes are sources of sugar. Proteins. Protein is a key part of any डाइट. प्रोटीन बहुत ही कंपल्सरी होता है हमारी बॉडी के लिए. द एवरेज पर्सन नीड्स अबाउट 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरी डे फॉर एवरी 20 pounds ऑफ बॉडी वेट बिकॉज प्रोटीन इज फाउंड इन एन एबुडेंस ऑफ फूड्स. मेनी पीपल कैन इजीली मीट दिस गोल. However, not all protein packages are created equal. In children, the growth of cells is more compared to the adults. Therefore, growing children should consume more protein than adults. Now, functions of proteins. The main function of proteins in the body are to build, strengthen and repair or replace things such as tissue. Hair and nails are mostly made of proteins. We also use proteins to make enzymes, hormones and other body chemicals. Protein is an important building blocks of bones, muscles, cartilage, skin and blood. Source of protein. Fish. Most seafood is high in protein and low in saturated fat. Poultry. Dairy products. Products such as milk, cheese and yogurt offer lots of healthy protein. Beans. Beans and peas are packed full of both protein and fiber. Add them to salads, soups and stews to boost your protein intake. Nuts and seeds. As well as being rich sources of protein, nuts and seeds are also high in fiber and good fats. What are fats? Fats are nutrients in food that the body uses to build nerve tissues and हार्मोन्स. फैट्स जो होते हैं वो फूड में प्रेजेंट वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बॉडी जो है वो नर्व टिश्यूज और हार्मोन्स बनाने में यूज में लेती है. द बॉडी ऑल्सो यूजेज फैट्स एंड फ्यूल. इफ फैट्स ईटन आर नॉट बर्न्ड एज एनर्जी और यूज्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, they are stored by the body by fat cells. Now, functions of fat. Fat is an essential part of your child or teen's diet. It plays an important role in the development of your child's brain and helps them reach their maximum growth potential. फैट जो होती है वो चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जिससे कि उसकी ग्रोथ हो सके और उसका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके. फैट इज यूज्ड इन द बॉडी एज फ्यूल एंड हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब द फैट सॉल्यूबल विटामिन्स ए, डी एंड विटामिन के. फैटी फूड आर ऑफन एसोसिएटेड विथ ओवरवेट, obesity, heart disease and stroke. but eating the right fats can provide the body with many health benefits. Source of fats यानी कि हमें fats कहाँ से मिलती है, किन किन चीज़ों में फैट प्रेजेंट होती है. घी, ऑयल, चीज़, डार्क चॉकलेट, होल एग्स, फैटी फिश एंड nuts are good sources of fats. Vitamins and minerals. Vitamins are substances that are found in foods we eat. Vitamins वो substances होते हैं जो food में present होते हैं और उन्हें हम अपनी body में लेते हैं. They are protective foods. ये क्या होते हैं? Protective foods होते हैं जो हमारी body को प्रोटेक्ट करते हैं. देयर आर मैनी विटामिन्स एंड ईच वन हैज सम स्पेशल रोल टू play. Vitamin D builds strong bones, and vitamin C helps our body to heal in case of injury. Besides, vitamins, minerals are also protective food. Calcium, iron and iodine are some examples of minerals. Now, source of vitamin and minerals. Green leafy vegetables, fruits, milk, fish and dairy products are some food rich in vitamin and minerals. इन सभी चीज़ों में क्या होते हैं? Vitamins and minerals present होते हैं. तो हमें सबसे ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, मिल्क लेना चाहिए, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनसे बने फूड आइटम्स को अपनी बॉडी में लेना चाहिए. फाइबर और रफेज. द फाइबर और रफेज इन आवर डाइट इज नॉट डाइजेस्टेड एंड डज नॉट प्रोवाइड नरिशमेंट. फाइबर और रफेज जो होता है वो हमारी डाइट का वो पार्ट होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है और हमें कोई भी नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करवाता है. हाउएवर इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट बिकॉज It helps other food pass easily through the digestive system and thus support digestion. It helps in the smooth excretion of waste from the body by preventing constipation. A high fiber diet may also help in maintaining proper weight. Fiber comes from the part of plant-based food that our body cannot digest. Fibers जो होते हैं वो plant से बने food item से बनते हैं जो कि हमारी body digest नहीं कर पाती. इट इज़ प्रेजेंट इन मेनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स. वाटर. वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल बॉडीली फंक्शन एंड फॉर लाइफ. इट मेक्स अप मोर देन हाफ ऑफ आवर बॉडी वेट. मेनी वाइटल बॉडी प्रोसेस डिपेंड ऑन वाटर. फॉर एग्जाम्पल, ब्लड which contains a lot of water carries oxygen to all the cells of the body. Water also help in digestion and elimination of waste. Any fluid we drink also contains water. कोई भी fluid जो हम drink करते हैं उसमें क्या content रहता है, क्या मिला रहता है? Water. Such as juice and milk. Fruits and vegetables such as watermelons, pineapples, strawberries, plums, orange, cabbage, spinach and turnip contain a good percentage of water. Drinking 6 to 8 glasses of water every day in a healthy habit. हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए वन डे में कम से कम 6 से 8 ग्लास जो होते हैं वो वाटर ड्रिंक करना चाहिए. इफ यू हैव एनी क्वेरी, कंसर्न और सजेशंस प्लीज राइट अस ऑन मेंशन्ड कमेंट बॉक्स. वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी. बी हैप्पी, बी सेफ. थैंक यू.